अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे फार्मूलाज और उसमें था कन्वर्टिंग प्रोडक्ट टू समर डिफरेंस, कि प्रोडक्ट को समर डिफरेंस में किस तरह से शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हमने पहला फार्मूला ड्राइव किया, फिर हमने सेकंड नंबर पे एक और फार्मूला था वो ड्राइव किया, थर्ड नंबर पे ये किया था, और अब हम इसी से आगे मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे कि जो इक्वेशन जो फार्मूला 4 है उसको 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्टिंग फार्मूला 4 फ्रॉम फार्मूला 3, तो इक्वल आ जाएगा 4 को 3 में से माइनस करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये साइन जो है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा। सो देखिए, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। सो इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस जो लेक्चर था, हमने यहाँ पर जो है 4 फार्मूलाज ड्राइव किए। बेसिकली उसमें पहला फार्मूला क्या है, टू साइन अल्फा कॉस बीटा जो इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा के प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। सेकंड नंबर क्या है जी, टू कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। थर्डली हमने फार्मूला ड्राइव किया है टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। फोर्थ नंबर पे माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है, तो ये चारों जो फार्मूलाज हैं ये हमने इसमें क्या किए, ड्राइव किए हैं। सो अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी दे लेते हैं कि एग्जांपल किस तरह से इसमें वर्क करेगी। सो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल में है कि राइट द प्रोडक्ट टू साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा एज अ सम आर डिफरेंस एज अ सम आर डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ साइन एंड कोसाइन साइन एंड कोसाइन। ठीक, क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है टू साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा, इसको आपने क्या करना है एज अ सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन में शिफ्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने फार्मूला देखने हैं कि उसमें देखें साइन और कॉस कहाँ आ रहे हैं। तो अगर आप देखें ना, तो साइन और कॉस इधर आ रहे हैं, साइड टू भी लगा हुआ है, तो टू साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो साइन पहले कॉस बाद में, तो साइन पहले और कॉस बाद में एक ही जगह पे आ रहे हैं, वो किस में आ रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला में आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है। आप लिखेंगे कि एज टू साइन अल्फा कॉस बीटा टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा
साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जस्ट क्या करना है कि देखिए, अल्फा की जगह अगर मैं 5 पुट कर दूं और बीटा की जगह अगर मैं 3 थीटा पुट कर दूं तो मेरे पास इजीली वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है कि ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 साइन अल्फा की जगह आपको मैंने कहा 5 थीटा पुट कर दें और बीटा की जगह आप 3 थीटा पुट कर दें, तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह आ जाएगा 5 थीटा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3 थीटा प्लस साइन अल्फा की जगह 5 थीटा माइनस बीटा की जगह 3 थीटा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन 5 थीटा, 2 साइन 5 थीटा, 2 साइन 5 थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा जी, साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा एंड प्लस साइन 2 थीटा, प्लस साइन 2 थीटा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, आप प्रोडक्ट किस में चला गया, प्लस में शिफ्ट हो गया। कहा ही ये गया था कि राइट द प्रोडक्ट 2 sin 5 थीटा cos 3 थीटा एज अ सम आर डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, सम आर डिफरेंस। तो ये देखिए सम इसमें आ गया, तो यही बेसिकली हमने इसमें क्या करना था, ये फाइंड करना था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको ये जो फार्मूला से मजीद अच्छे से क्लियर हो सके। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास है राइट द प्रोडक्ट, अगेन उसी तरह से राइट द प्रोडक्ट, राइट द प्रोडक्ट 2 cos 45, 2 cos 45 degrees, cos 15 degrees एज सम आर डिफरेंस, एज अ सम आर डिफरेंस, एज अ सम आर डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है जी, हमने फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला आप देखें तो ये फार्मूले वाले पेज है हमारे पास जिसमें साइन अल्फा कॉस बीटा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे पास अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी, 2 cos 45 एंड cos 15, दोनों कॉस है। दोनों कॉस कहाँ यूज हो रहे हैं, दोनों अगर आप कॉस देखें तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं, 2 cos अल्फा cos बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हम ये वाली फार्मूला जो है सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो आपने क्या कहना है कि एस 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, किसकी को लगेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। तो जस्ट क्या करना है जी आपने कि इसको अल्फा कंसीडर करना है, इसको बीटा कंसीडर करना है, फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो 2 cos अल्फा आ जाएगा 45 डिग्रीज और बीटा आ जाएगा आपके पास 15 डिग्रीज, cos 45 प्लस 15 डिग्रीज प्लस cos 45 -15 डिग्रीज। सो आंसर आ जाएगा cos 60 डिग्रीज और प्लस cos 30 डिग्री। तो इसमें भी क्या किया, जो प्रोडक्ट है हमारे पास मतलब 2 cos 45 डिग्रीज एंड cos 15 डिग्रीज का जो प्रोडक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्लस में विद cos चेंज हो रहा है। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।